गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कुछ दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोला है, जिसमें कई लोग जो है घायल हो गए हैं। घटना लोनी के डाबर तालाब इलाके की बताई जा रही है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और कुछ दिन पहले भी इस परिवार को इन्हीं दबंगों ने पीटा था, जिसमें पुलिस के हस्तक्षेप के बाद समझौता करा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर विवाद हो गया है। दबंगों की दबंगई वायरल हुई है, महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई है, तो पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ही पहले ये समझौता कराया गया था इस मामले को लेकर, लेकिन फिर से विवाद हो गया है दो पक्षों में। तो कुछ दबंगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया है। किस वजह से ये बदमाशों ने मारपीट की है, किस वजह से हमला बोला है परिवार पर, तो बीच बचाव करने के लिए महिलाएं भी सामने आई हैं। यहाँ पर काफी देर तक बहस होती रही। एक परिवार पर हमला बोल दिया, उसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं। घटना लोनी के डाबर तालाब इलाके की बताई जा रही है। शोएब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शोएब, एक ही परिवार के साथ उन्हीं दबंगों के द्वारा फिर से विवाद होना है, क्या मामला पूरा और अभी पुलिस क्या कह रही है इस पर? देखिए, कुछ दिनों पहले का ये वीडियो है और ये माना जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इन दबंगों ने परिवार को पूरी तरह से पीटा, उसके बाद इनसे ही समझौता करा लिया गया। ये लोग पुलिस के पास भी गए, लेकिन उस तरह से कार्रवाई शुरुआती तौर पर नहीं हो पाई, जिसके बाद फिर से दबंगों ने इस तरह की जो घटना है उसको अंजाम दिया है। इस पूरे वीडियो के सामने आने के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर पुलिस के पास लोग जाते हैं और प्रशासन से मदद मांगते हैं तो समझौता कराने की कोशिश की जाती है, कार्रवाई करने के बजाय इस तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही है। हालांकि जो पीड़ित परिवार है या कहे कि जो जिनके साथ मारपीट हुई है, वो अभी इस पूरे मामले में सीधे तौर पर आरोपी पक्ष जो दबंग परिवार है, दबंग लोग हैं, उन पर आरोप लगा रहा है और अब कार्रवाई की मांग कर रहा है। लेकिन तस्वीरें यकीनन ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि वीडियो कुछ दिन पुराना है और इस तरह की जो घटनाएं फिर से सामने आई है। अब पुलिस प्रशासन से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि ये दबंग जो पीड़ित परिवार है उनके साथ फिर इस तरह की बदसलूकी ना करें। बिल्कुल, तो पुलिस की ओर से ढिलाई समझो इस पर, इसीलिए दोबारा से दबंगों की इतनी हिम्मत हो गई कि परिवार के साथ फिर से मारपीट की गई है। अभी कोई गिरफ्तारी कुछ हुई इस पर या पुलिस के पास मामला पहुंचा ही नहीं अभी है? बिल्कुल, देखिए अभी तक कोई भी गिरफ्तारी इस तरह से सामने नहीं आई, लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर दबाव है और यकीनन वो कार एक्शन के मोड में अब नजर आ रही है। देखना यही होगा कि क्योंकि जो वीडियो है ये तमाम जगह पर वायरल हो गया है, सोशल मीडिया पर भी, और तमाम जो लोग हैं वो इसको लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि खास तौर पर अगर गाजियाबाद जिले की बात करें तो चाहे मर्डर का मामला हो, लूट का मामला हो, इस तरह की जो वारदातें हैं, अपराध, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के मामलों को सुलझाया जाए। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।